स्टार्ट करते हैं आर्क स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम चैप्टर नंबर 4। बच्चों आपकी तरफ से आवाजें ना आए, स्टॉप मेकिंग नॉइज। मैम आ रही है मैम, लेकिन खड़खड़ा रहा है। द ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी। The combination of bones and muscles make human body to work incredibly. जो organ system के पूरे जो organs होते हैं वो एक साथ काम जब करते हैं तो उन्हीं को organ system कहा गया है, और जो muscles और bones होती हैं body, human body की, वो एक साथ मिलकर जब क्रिया करती हैं तो वो सारी मानव की जो एक human body की जो क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ कर लेती हैं। Bones from the body's hard strong skeleton framework while muscles carry out different activities. जो बोन्स होती है वो आप सबको पता है कि जो हार्ड फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, जो ढांचा होता है वो बोन होता है, और जो मसल होता है वो दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए काम आती है। द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। दिस सिस्टम कैरीज एंड ब्रिंग्स मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। विद दीज मैसेजेस वी सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू आवर एनवायरनमेंट। दिस सिस्टम कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो माइंड के अंदर होता है, जो सारी सेंसेस होती है कंट्रोल करता है और हमारे एक नेटवर्क की तरह काम करता है। ये नर्वस सिस्टम से मैसेज भेजता है पूरे ऑर्गन को, पूरे अंगों को वो मैसेज भेजता है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करता है। स्केलेटन सिस्टम क्या है, जो कंकाल तंत्र है उसके बारे में देखते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इन अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन that gives support to our body. There are 206 bones in an adult human skeleton. The following picture shows the different parts of the human skeleton. ये जो आपका यहाँ पे picture show कर रहा है ये human skeleton है, और एक adult human के अंदर 206 bones होती हैं। Skull, skull क्या है, जो skull होता है सर का जो bone होता है जिसको खोपड़ी कहते हैं। The skull protects the brain. स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग जनरली कंटेन्स 22 बोन्स, और स्कल में 22 बोन्स होते हैं। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। द मूवेबल जॉज इनेबल अस टू टॉक एंड ईट। द अपर एंड लोअर जॉ हैव टीथ। टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। स्कल का कोई भी जो बोन होता है वो मूवेबल नहीं होता है एक्सेप्ट द लोअर जॉ। लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है, जिसकी वजह से हम खाते और बोलते हैं, और दोनों अपर और लोअर जॉ में टीथ होते हैं, दांत होते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम वीडियो भी नहीं आ रही। हर्ष हर्ष आवाज आ रही है। तो जो रिब केज होता है उसको वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को और लंग्स को। और रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं, और रिब केज किससे जुड़ा होता है, बैक बोन से जुड़ा होता है। जो और इसको जो रिब केज जो सेंटर में जो चेस्ट के पास जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम होल्ड्स द रिब इन द फ्रंट, और जो स्टर्नम होता है वो रिब को आगे की तरफ से होल्ड करके रखता है। द रिब्स आर आल्सो अटैच्ड बैकबोन, हाउएवर द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड द स्टर्नम एंड इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। और जो लास्ट के जो रिब्स होते हैं वो अटैच नहीं है स्टर्नम से, उसको फ्लोटिंग रिब कहा गया है। अब बैकबोन, बैकबोन क्या है, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। The backbone is also called the vertebrae column. There are 33 vertebrae are make the backbone. और vertebrae कितने होते हैं, 33 होते हैं, जिससे क्या बनता है, backbone बनता है।
फिर लिम्स की बात देखते हैं. लिम्स क्या है? वी हैव टू पेयर ऑफ लिम्स. हमारे पास दो जोड़ों में लिम्स होते हैं, द फोर लिम्स जो आर्म की तरफ होते हैं एंड द हिंड लिम्स जो लेग में होते हैं. थाई वन एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ इन द बॉडी. अब फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के फंक्शन क्या है? स्केलेटन की क्या क्या क्रियाएं हैं? द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर एज फॉलोज. स्केलेटन सिस्टम का देखो क्या क्या क्रियाएं हैं. द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. स्केलेटन हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है. अगर हड्डियों का ढांचा नहीं होगा तो हमारा बॉडी जो है वो खड़ा हो ही नहीं सकता है. द इट प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन. द स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन. द रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग. द बैकबोन प्रोटेक्ट डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. और जो हड्डियां होती हैं हमारे बोन का जो स्केलेटन होता है वो बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट को हो गया, ब्रेन को हो गया और स्पाइनल कॉर्ड के छोटे छोटे बोन्स. इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. मेनी बोन्स इन आवर बॉडी आर हॉलो. दे आर फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. ब्लड सेल्स आर मेड द बोन मैरो. जो ब्लड सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? बोन मैरो से बनी होती हैं. हेलो. और बोन मैरो क्या होता है? हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? बोन मैरो बोन्स के अंदर का कुछ लिक्विड जली जैसा होता है जिसको बोन मैरो कहा जाता है. अब जॉइंट के बारे में देखते हैं. जो बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जॉइंट होती हैं. अ जॉइंट इज द प्लेस वेयर द बोन्स मीट. और जॉइंट वही जगह है जहाँ पे बोन्स जो है वो मिलती हैं. मोस्ट जॉइंट्स आर मूवेबल. देयर आर फाउंड काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी. कुछ जो बोन्स हैं वो मूवेबल होते हैं, कुछ जॉइंट जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं और तरह तरह के प्रकार होते हैं मूवेबल जॉइंट्स के भी. पहला देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल सॉकेट जॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शंस. द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट आर फॉर एग्जांपल्स ऑफ बॉल सॉकेट जॉइंट. जो शोल्डर और हिप का जो जॉइंट होता है वो बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है. और बॉल सॉकेट जॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉल जैसी आकृति दिखती है, तो यही बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है. और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? शोल्डर में और हिप. हिंज जॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट ओनली अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. सिर्फ पीछे और आगे की तरफ जा सकते हैं हिंज जॉइंट में. इट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर. जैसे दरवाजा होता है ना, आगे और पीछे बंद होता खुलता है, वैसे ही ये बोन्स काम करती हैं. बोन्स इन नी एल्बो फिंगर्स एंड टोज हैव दिस टाइप ऑफ अ जॉइंट. जैसे फिंगर है ना पीछे की तरफ नहीं बेंड होते, सिर्फ ऊपर नीचे होता है, तो यही इसी को क्या कहा गया है? हिंज जॉइंट कहा गया है. सबको आवाज आ रही है? पिवोट जॉइंट. और दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज यू टू मूव योर हेड अप डाउन एंड साइडवेज. इट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ योर बैकबोन. अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ हाइडिंग मोशन. इट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल. अब ग्राइंडिंग जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? रिस्ट में और एंकल में. इन एडिशन टू बोन्स कार्टिलेज एंड मसल्स ऑल्सो हेल्प अस इन मूवमेंट. अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस. इट होल्ड्स द बोन्स टूगेदर एंड द जॉइंट्स. कार्टिलेज ऑल्सो प्रोटेक्ट द बोन्स. विदाउट कार्टिलेज द बोन्स वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वेयर आउट. Some organs like the nose and ears have cartilage too. Cartilage एक ऐसा elastic जैसा substance होता है जो hold करता है bones को joint में. अगर cartilage नहीं होगा तो जो bones होंगी वो एक दूसरे से rub करके खराब हो जाएंगे. फिर अब muscle देखते हैं. Muscle क्या है? Muscles hold the bones together and make movement possible. जो मसल होता है वो बोन्स को एक साथ करता है और मूवमेंट को पॉसिबल करता है. मूवमेंट यानी हमारी क्रियाओं को पॉसिबल करता है. दे ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में तीन तरह के मसल्स होते हैं. कौन कौन से? स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल. तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं. आप देखते हैं नर्वस सिस्टम. पेज नंबर 26 पर देखिए नर्वस सिस्टम क्या है.
Nervous system. The nervous system comprises the nerves, brain, and spinal cord. They receive the integrate the signals relayed from sense organs such as eyes, nose, and ears. जो sense organs होते हैं, eyes, nose, और ears जैसे, तो ये signals भेजते हैं कहाँ पर? Nervous system में. Nervous system has an important role in receiving and integrating the signals. This system also controls conscious and functions such as heartbeat and breathing. और यही nervous system बहुत हार्ट बीट और ब्रीदिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नर्व. नर्व क्या है? नर्व सेल्स आर थ्रेड लाइक. नर्व क्या होती है? धागे की तरह आकृति की होती हैं. दे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. पूरी बॉडी में होती हैं. दे कैरी द एंड ब्रिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. नर्व कैरी दे ऑल्सो ब्रिंग मैसेजेस दे ऑल्सो ब्रिंग मैसेजेस From the brain through the spinal cord to the body parts. और nerves जो होती है वो एक धागे की तरह जाल पूरे body में बनाए हुए होती है और वो nervous system से पूरी body में messages throughout pass करती रहती है. Nerves act like telephone wires which communicate the message to the brain. Messages are sent and received through nerve cells. और nervous system nerves जो होती है वो एक telephone के तार की तरह काम करती है जो दिमाग से सारी जो organs है उनमें messages पहुंचाता है. For example, the optic nerves send the message of what the an eye to the brain. Nerves are different kinds. अब nerves भी कई तरह की होती हैं. Sensory nerves, motor nerves, fixed nerves. तीन nerves होती हैं. कौन-कौन सी? Sensory, motor and fixed nerves. अब brain. Brain क्या है? Brain is the main control center of the body. The brain controls the body by receiving and giving messages. Messages coming from different body parts tell the brain What is needed by the body? अब जो brain message रहता है वो सारे body parts को जाकर बताता है कि body को किस चीज की जरूरत है. Messages sent by the brain tell different body parts what to do and how to do. The brain not only thinks, give reasons, remembers, but also controls the movement of body. It observes all sort of actions done or needed by the body. अब अगर हमें भूख लग रही है तो हमारा brain हमारे स्टमक को बताएगा और फिर हम सोचेंगे ये सोचने की क्षमता आएगी कि क्या खाएं और कैसे खाएं. तो हमारा जो ब्रेन है वो सारे मैसेजेस को पास करता है और उसी की वजह से सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो ठीक तरह से काम करते हैं. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. अब ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं. द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स. ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं. द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द Cerebrum, it is the largest part of the brain. The cerebrum controls thinking, learning and talking. It also controls the five senses, organs and memory. It helps us in remembering things. The cerebrum होता है वो याद करने में और memory में help करता है. The part below in cerebrum is called cerebellum. Cerebrum के नीचे वाला part होता है. The cerebellum controls the voluntary muscles of the body. Playing, running, moving hand, riding a bike and other movements are controlled by the cerebellum. Cerebellum के through सारा खेलना कूदना और दौड़ना भागना का जो movement होता है वो control होता है. अब the bottom part of the brain that connects the brain to the spinal cord is called medulla oblongata. तो ये जो होता है it controls the evolutionary movement of the body. It controls the muscles of breathing, heart beat, digestion. तो ये वाला जो part है वो सांस लेने को डाइजेशन को ये सब को कंट्रोल करता है. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्मड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स. बहुत सारी नर्व्स का एक ग्रुप होता है. इट इज थिक कॉर्ड लाइक बंडल ऑफ नर्व सेल्स. बहुत सारा नर्व सेल्स का जोड़ा होता है. मैसेजेस ट्रेवल अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ कनेक्टिंग केबल. ये कनेक्टिंग केबल की तरह होता है, कनेक्ट करता है. इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू द ब्रेन. इट इज वेल प्रोटेक्टेड टू द फ्लेक्सिबल बट tough bony spine. अब reflex action क्या है? Some body movements are done automatically without thinking about them. कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं body की जो बिना सोचे समझे भी हो जाती हैं. This automatic response of the body an event is called reflex system. और जो ये body अपने आप जो क्रिया करती है इसको क्या कहा जाता है? Reflex system कहा जाता है. सारी क्रियाएं तो मैसेज ब्रेन मैसेज करता था तब होती थी, लेकिन कुछ क्रियाएं जो बिना मैसेज के ही हो जाती हैं उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा गया है. द रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. फॉर एग्जांपल योर माउथ गेट्स वाटर एंड साइट ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट. सिमिलरली एक्शन सच एज मूविंग योर हैंड अवे द
from a thread or needle takes place without any message going to the brain. The reflex action allows fast reaction. It reflects action, and on touching the thread or needle, the nerve sends a message to a spinal cord, and the spinal cord orders to the hand to withdraw immediately. So, जब हमारे जो मुंह में जब वो जब आइसक्रीम देखते हैं या कुछ भी टेम्पटिंग खाने की चीज देखते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है. और अगर अचानक से कोई हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पे नीडल को चुभा देता है तो जब अचानक से हम हाथ अपना खींच लेते हैं या जो भी जिस भी बॉडी पार्ट में लगता है उसको हम हटा लेते हैं वहां से, वो भी एक इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है उसको भी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल माना जाएगा. अब सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में क्या आता है? आईज, ears, nose, tongue और skin. ये सारा हमारा सेंस ऑर्गन है. आंखों से क्या होता है? आंखों से हम देखते हैं, नोज से हमको स्मेल आती है और टेस्ट लेने में भी नोज थोड़ी सी हेल्प करती है. टंग जो होती है पूरी तरह से टेस्ट बड्स में होते हैं तो सारा जो हम खाते हैं जो वो पूरा स्वाद हमें टंग से मिलता है. ईयर, ईयर यानी कि ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम सुनते हैं. अगर हमको कुछ भी सुनना है तो वो ईयर जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो काम करेगा. नोज जो है वो स्मेल करने में और सांस लेने में भी काम आती है. और स्किन, स्किन से अगर हम कुछ फील करना है तो हम उसको स्किन से ही टच करके फील करते हैं. तो ये रहे हमारे सारे सेंस ऑर्गन. अब यहाँ से आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है वो फिनिश होता है. सबको समझ में आया? आवाज आ रही थी सबको? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट.